हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैकॉल हेयर। आज हम लोग जानेंगे डैशबोर्ड के बारे में। और डैशबोर्ड जो यहाँ आप सामने देख रहे हैं, और OruxMaps का इंटरफेस खोलने के बाद जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर कई सारे वैल्यूज़ यहाँ आ रहे हैं। और इन वैल्यूज़ के साथ साथ कुछ आइकन भी हैं यहाँ पर, देखिए। और यह आइकन क्या है, इसे कैसे पढ़ा जाए, कैसे जाना जाए, यह आपको क्या बतलाता है, इन सारे चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि सभी कंट्रोल्स के बारे में आपको पता चल सके। जो कंट्रोल्स हैं, इसको हम लोग कहाँ से निकालते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, इसका लोकेशन यहाँ से है कि ग्लोबल सेटिंग्स, यूज़र इंटरफेस, डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड कंट्रोल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कोई पहाड़ी क्षेत्र है या कोई ढलान वाला क्षेत्र है, ये UTM में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड, एक अपने हिसाब से एक ग्रिड सिस्टम तैयार किया जाता है, ताकि उसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकें। ये लाल वाला जो है, ये वहाँ का लोकल कोऑर्डिनेट है। जैसे कि UTM ग्रिड एक लैट लॉन्ग के हिसाब से जो हम लोग चल रहे हैं वह है, और जबकि इंडियन ग्रिड सिस्टम एक लोकल ग्रिड सिस्टम है। इसके अलावा चलते हैं हम लोग, ये टाइम, वर्तमान समय को ये प्रदर्शित करता है, साथ ही साथ डिवाइस में यानी कि आपके मोबाइल में बैटरी कितना बच जाता है, कितना है, इसका इन्फॉर्मेशन आपको बॉटम डैशबोर्ड एरिया में दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ जूम लेवल को यदि ऑन रखते हैं, जो मैप आपको दिखाई पड़ रहा है वह किस लेवल तक जूम किया हुआ है वह आपको इसमें बताता है। इसके बाद आते हैं डेटम। डेटम क्या है? पूरी पृथ्वी को हम लोग जैसे जानते हैं कि यह गोल है, परंतु पूरी तरह से गोल नहीं है, कि यह थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर आप देखिएगा, एक्चुअली यह एक प्रकार से अस्थिर गोलाई वाला आकाशीय पिंड है, तो इसको जियोइड कहते हैं। रियल शेप इसका यह है। तो WGS जो 84 है, ये हम लोग अभी प्रेजेंट डेटम हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। तो ये जो डेटम को हम लोग ऑन करेंगे, इससे आपको डेटम का नाम यानी कि WGS 84 दिखाई पड़ेगा। यदि आप गूगल हाइब्रिड या गूगल टेरेन यूज़ कर रहे हैं, उस मैप का नाम आपको डैशबोर्ड वाले एरिया में प्रदर्शित होगा यदि आप इसे ऑन करते हैं तो। ट्रू ट्रैक डायरेक्शन और मैग्नेटिक ट्रैक डायरेक्शन क्या है, जब हम लोग ट्रैक बना रहे होते हैं, क्योंकि ट्रैक बनाने के क्रम में आपको GPS सिग्नल की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है कि GPS की आवश्यकता है। तो चलिए इसे समझने के लिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ एक रोड दिखाई पड़ रहा है आपको, टॉप व्यू है ये। नॉर्थ के सापेक्ष में इसका जो एंगल है ये है 75 डिग्री, तो ट्रैक डायरेक्शन क्या हो गया, 75 डिग्री, जबकि हमारा हेडिंग है 120 डिग्री। हेडिंग का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किस तरफ देख रहा है, यानी कि मोबाइल का ओरिएंटेशन किधर है। तो इस तरह से जाने का जो दिशा है ये है ट्रैक रिकॉर्डिंग का डायरेक्शन, जबकि यानी कि मोबाइल का फेस है इस दिशा में, जो लगभग 120 डिग्री के आसपास है। तो हेडिंग यहाँ 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पर बताया गया कि ट्रू ट्रैक डायरेक्शन जो है वो है 75 डिग्री। तो हेडिंग थोड़ा सा और आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आपको हेडिंग आपको नीचे दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर एक हेडिंग ऑप्शन है, कंपास का हेडिंग का अर्थ है यानी कि आपका फेसिंग किधर है। आगे बढ़ते हैं, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम GPS, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम DEM, ये दोनों क्या चीज़ें हैं? GPS के डाटा के हिसाब से आपका ऑल्टीट्यूड अभी क्या है, आप कितनी ऊँचाई पर हैं, यह बतलाता है। जबकि आपके पास यदि DEM मौजूद है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल मौजूद है, तो उस आधार पर आपका ऑल्टीट्यूड क्या है यह बताता है। इस स्लाइड को गौर किया जाए, हाइट फ्रॉम द GPS है, ये ग्रीन से यहाँ दिखाया गया है, जबकि DEM यानी कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल के हिसाब से जो ज़मीन की ऊंचाई है वो इस प्रकार से यहाँ है। आप ग्राउंड से कितनी ऊँचाई पर हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए GPS वाले डेटा से DEM डेटा को माइनस कर दिया जाए, तो यहाँ ऑरेंज कलर से जो दिखाया गया वो है हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ये भी आपको पता चल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस से आपको इसका वैल्यू प्राप्त होता है। यहाँ आप दाहिनी ओर देख पा रहे हैं जो रियल डाटा है, मैंने पिछले दिनों एक यात्रा के दौरान इसको रिकॉर्ड किया था। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस से आपको हाइट अबव द ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ऑल्टीट्यूड बैरोमीटर, यदि आपके मोबाइल में बैरोमीटर सेंसर है तो यह आपको ऑल्टीट्यूड भी बतलाता है, जो कि GPS के अलावे भी यह सेंसर आपको मदद करता है। स्पीड तो जान ही रहे हैं कि आपकी स्पीड कितनी है वह यह बताता है। GPS एक्यूरेसी,
इसका अर्थ है कि आपका जीपीएस कितना एक्यूरेट काम कर रहा है। इसको समझने के लिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। आपके डिवाइस कितने सारे सैटेलाइट्स को कवर करता है, कितने सारे सैटेलाइट्स के रेंज में है, यह तय करता है कि आप कितना एक्यूरेट जीपीएस आपका काम कर रहा है। यहाँ दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कि ऑरुक्स मैप्स में जो वैल्यूज़ आते हैं वह ये वैल्यू इस प्रकार से आता है कि जैसे 12 मीटर है और ब्रैकेट में 31 है यानी कि 31, तो 31 सैटेलाइट्स के कवरेज आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये 12 मीटर का है, मतलब 10 से 12 मीटर का रेंज को यह क्लियर डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। यहाँ करीब 8 सैटेलाइट का कवरेज मिल रहा है और यहाँ एरर जो है 1 मीटर का है, मतलब कि यह काफ़ी एक्यूरेट यह बतला रहा है। आगे है सनराइज और सनसेट। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे इस तरह से, तो आपके डैशबोर्ड एरिया में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय प्रदर्शित होगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप जीपीएस को ऑन करेंगे, बिना जीपीएस के और बिना डाटा के, बिना इंटरनेट डाटा के यह काम नहीं करेगा। ड्यूरेशन, टोटल टाइम रिकॉर्डिंग, ड्यूरेशन इन मूवमेंट, टोटल ड्यूरेशन इन मूवमेंट, इन सारे चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको। इसको समझने के लिए एक स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुल आपको 4 सेगमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, 1, 2, 3 और ये करंट अभी बन रहा है जो कि हरा रंग का दिख रहा है। ड्यूरेशन जो है ये हरा रंग का जो ट्रैक अभी बन रहा है इसके बारे में बता रहा है, जबकि टोटल ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक के बारे में बताएगा। कुछ इस प्रकार से है, पूरे ट्रैक को रिकॉर्डिंग करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं टोटल टाइम रिकॉर्डिंग। ड्यूरेशन इन मूवमेंट और टोटल ड्यूरेशन इन मूवमेंट, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो लगभग सेम लग रहा है। ड्यूरेशन इन मूवमेंट और टोटल ड्यूरेशन इन मूवमेंट का अर्थ ये है कि करंट सेगमेंट में जो समय लग रहा है वह है ड्यूरेशन इन मूवमेंट। आप मूव जब कर रहे हैं सिर्फ उस टाइम का, आप यदि पॉज लेते हैं, यदि आप रेस्ट करते हैं, तो ऐसे समय को एक्सक्लूड करके यानी कि उसको हटा करके जो बाकी बच जाता है मूवमेंट का समय वह कैलकुलेट करता है। और पूरे ट्रैक में चाहे उसमें 3 या 4 सेगमेंट हो, सभी को जोड़ करके यह बताता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी का प्लान है, हरे रंग का प्लान दिख रहा है, इसको इस प्रकार से चला गया। इसको जब हम लोग ग्राफ में पुट करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। बीच में यहाँ पे एक हॉल्ट लिया गया, एक पॉज लिया गया है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीड आपकी बढ़ रही है, बढ़ते 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 एक समय आता है जब आप रेस्ट करते हैं। रेस्ट जब होता है तो यहाँ पे स्पीड 0 हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर से एक मूवमेंट यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो टाइम जो आपका रेस्टिंग टाइम है इसको अगर हम लोग माइनस कर दें तो मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो ड्यूरेशन इन मूवमेंट हो जाएगा। ये जो है ड्यूरेशन इन मूवमेंट हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल यहाँ से यहाँ तक के करंट लैप के बारे में कह रहा हूँ। और यदि दो या दो से अधिक सेगमेंट अगर यदि बनता है, ये करंट सेगमेंट है, दो या दो से अधिक सेगमेंट है, 4 सेगमेंट है, तो सभी सेगमेंट्स का अगर यदि सिर्फ मूवमेंट की बारे में बात करें, इस तरह से 8-10 मूवमेंट्स को अगर यदि जोड़ दिया जाए, तो इन सभी मूवमेंट्स को एक साथ जोड़ करके टोटल ड्यूरेशन इन मूवमेंट के रूप में आपको प्रदर्शित किया जाएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप लोग एक बार इसको रिकॉर्डिंग करके देखेंगे, अलग अलग सेगमेंट्स को रिकॉर्ड करें तो आपको समझ में आएगा। अगला है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। इसके बारे में भी वही है कि डिस्टेंस क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया गया प्रेजेंट सेगमेंट में, जबकि टोटल सेगमेंट पूरे एंटायर ट्रैक में कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्लोप क्या है, स्लोप को समझने के लिए एक स्लाइड यहाँ पर मैं फिर से दिखाऊंगा। स्लोप का मतलब होता है कितना ढलान है या कितनी चढ़ाई है। इन पेड़ों के बीच में ढलान कुछ परिवर्तित हो रहा है। इसको समझने के लिए पहले हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींचते हैं, यह है होराइजन, और एक इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वह है लगभग 12 डिग्री का। और जबकि दूसरा और तीसरा पेड़ के बीच, इन दोनों के बीच में जो है ढलान थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि इसका एंगल भी ज़्यादा होगा, इसका एंगल लगभग 23 डिग्री है। स्लोप का जो परसेंटेज है हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं कि कितना राइज होता है यदि हम एक प्रति किलोमीटर चलते हैं। तो यदि 1 किलोमीटर चलने में 5 मीटर का राइज हो रहा है तो इसका ढलान
कम होगा, यदि 1 किलोमीटर चलने पे अगर 10 मीटर ऊंचा उठते हैं तो उसका ढलान कुछ ज़्यादा होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से गुना कर दिया जाता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, जैसे 45 डिग्री के ढलान पे 100% का स्लोप हम लोग कहेंगे, मतलब कि यदि 1 किलोमीटर चले और अगर यदि 1 किलोमीटर राइज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका स्लोप जो होगा वो 100% स्लोप होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, राइज बाय रन इनटू 100। आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड करंट सेगमेंट में आपका जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपका स्पीड कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो एवरेज क्या है वह यह बताता है। टोटल एवरेज स्पीड का मतलब हो गया इसमें सभी सेगमेंट्स के जो स्पीड है उसको एवरेज करके यह बतलाता है। एवरेज स्पीड इन मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान आपका एवरेज क्या रहा है उसके बारे में बताता है। और जबकि टोटल एवरेज स्पीड में क्या होगा, आपके पॉज को भी या समय को ले लेता है, मतलब कि आप 5-10 मिनट जो इधर उधर व्यतीत करते हैं, जो बैठते हैं रेस्ट लेते हैं, इसमें यह निहित होता है। जबकि मूवमेंट वाले सिर्फ जब कैलकुलेशन होगा तो सिर्फ मूवमेंट को ये कैलकुलेट करेगा। टोटल एवरेज स्पीड इन मूवमेंट, तो टोटल एवरेज का मतलब हो गया कि पूरे एंटायर ट्रैक का सिर्फ मूवमेंट वाले पार्ट को लेकर के ये कैलकुलेट करेगा। तो ये चारों लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें और समझ में आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, ये पेस क्या है। पेस का मतलब होता है कि प्रति यूनिट डिस्टेंस में कितना समय लगता है, मतलब इकाई दूरी तय करने के लिए कितना समय लगता है। इसको ऐसे समझें, यहाँ एक ग्राफ है छोटा सा, तो ये एक एक किलोमीटर पर आपका कितना समय लग रहा है यह आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। तो पेस आपका क्या है, पेस इसमें ज़्यादा है, बीच में मध्यम है और अंत में बहुत घट जाता है। तो ये पेस बताता है आपका स्पीड क्या है, लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है कि प्रति यूनिट डिस्टेंस जब हम लोग जाते हैं उसमें कितना समय लगता है ये आपको पेस बताता है। इसके अलावे एक वर्ड आता है केडेंस का, हम लोग आगे देखेंगे केडेंस क्या है। इसको सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। केडेंस मतलब होता है प्रति इकाई समय पर कितना स्टेप आप लेते हैं, जब दौड़ लगाते हैं तो आप कितना स्टेप ले रहे हैं प्रति इकाई समय में। और स्ट्राइड क्या होता है, जैसे आप इस तरह से लेफ्ट राइट यहाँ चल रहे हैं तो या दौड़ रहे हैं, तो दो स्टेप्स के बीच में जो दूरी है उसको स्ट्राइड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर राइट फिर लेफ्ट, दोनों कदमों के बीच की दूरी तो स्टेप विड्थ हो गया, लेकिन दो अलग अलग स्टेप जो आप एक ही पैर से लेते हैं तो वो मैक्सिमम दूरी जो आपके दो स्टेप लेने के बाद आता है दैट इज स्ट्राइड लेंथ, इसको स्ट्राइड कहते हैं। पहला तो पेस हो गया, फिर टोटल पेस हो गया, टोटल का मतलब हो गया करेंट ट्रैक में एवरेज पेस इन द करेंट ट्रैक। पेस इन मूवमेंट मतलब कि जब आप रुक जाते हैं उसको एक्सक्लूड करके जितना मूवमेंट में आपका पेस रहा हो उसके बारे में यहाँ बताएगा। टोटल पेस इन मूवमेंट मतलब कि करंट ट्रैक में एवरेज पेस सिर्फ मूवमेंट के समय में, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको समझिए और आप लोग इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके देखिए अपना ट्रैक को और बीच बीच में पॉज दीजिए, आपको पता चलेगा। मैक्सिमम स्पीड करंट सेगमेंट में जो है आपका सबसे ज़्यादा स्पीड कितना रहा उसके बारे में बताता है। टोटल मैक्सिमम स्पीड मतलब पूरे ट्रैक में मैक्सिमम स्पीड कितना रहा है। अल्टीट्यूड अप और टोटल अल्टीट्यूड अप क्या है, चढ़ने के क्रम में इस तरह से दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े रेखाओं पे आप चढ़ रहे हैं लेकिन ऊंचाई आपका बढ़ता जाता है, तो ऊंचाई बढ़ता है तो इस तरह से जो ऊंचाई आपका बढ़ रहा है इसके बारे में वहाँ इंफॉर्मेशन मिलता है। अल्टीट्यूड अप में टोटल अल्टीट्यूड अप मतलब करंट ट्रैक में कितना आपने गेन किया। अल्टीट्यूड डाउन यदि आप चढ़ाई से उतर रहे हैं तो कितना डाउन हो रहा है ऊंचाई इसके बारे में बताता है। टोटल अल्टीट्यूड डाउन यानी कि लॉस ऑफ अल्टीट्यूड इन द करंट ट्रैक, ठीक है। मैक्सिमम अल्टीट्यूड क्या है, सबसे ऊंचा वाला जगह इस ट्रैक में आप कहाँ पर हैं उसके बारे में यह बताता है, कितनी ऊंचाई आपने गेन की। और सबसे मिनिमम अल्टीट्यूड आपका क्या रहा इस ट्रैक में उसके बारे में यह इंफॉर्मेशन देगा। अगला है ट्रैक मेड गुड, TMG। यह जो है आपको एक
एंगल एक इसमें एक्चुअली आएगा, जब इसको ऑन करते हैं तो डैशबोर्ड एरिया में एक एंगल दिखेगा, ठीक है। एंगल जब ट्रैक बना रहे होते हैं तो वह ट्रैक किस डायरेक्शन में बन रहा है यह आपको बताता है। तो यहाँ आप दाहिनी ओर देख सकते हैं, यहाँ पर TMG का एक वैल्यू आया है, पिछले दिनों मेरे यात्रा के दौरान मैंने इसे रिकॉर्ड किया था। आगे बढ़ते हैं, एक्सेंट स्पीड और वर्टिकल स्पीड। एसेंट स्पीड का मतलब हो गया कि जब आप ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं तो पिछले 10 मिनट में जो ट्रैक रिकॉर्डिंग का जो वैल्यू है, आप कितनी स्पीड से ऊपर की ओर उठ रहे हैं, जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो कितना चढ़ रहे हैं उसके बारे में यह है 10 मिनट में, ठीक है। और वर्टिकल स्पीड का मतलब हो गया कि ये एक्चुअली जब ग्लाइडर कोई उड़ाता है या हवाई जहाज पे कोई सफ़र कर रहा है तो जब टेक ऑफ होता है तो कितनी स्पीड से वह ऊपर उठ रहा है। इसके लिए क्या है ना, एक वेरियोमीटर सेंसर आता है, हर ग्लाइडर में रहता है, हर वायुयान में होता है। यहाँ पर आप देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग स्पीड का क्या मतलब होता है। असेंडिंग मतलब होता है ऊपर की ओर उठना, डिसेंडिंग मतलब डाउन की ओर बढ़ना। तो यहाँ एनिमेशन के दौरान आप देख सकते हैं कि यह डिसेंड कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। यह नीचे की ओर जाए या ऊपर की ओर जाए, इसके लिए आपको एक सेंसर बतलाता है कि आप कितनी स्पीड से ऊपर या नीचे की ओर जा रहे हैं। यह जो मीटर है इसको कहते हैं वेरियोमीटर, ठीक है। आजकल डिजिटल ज़माना है तो ये इस प्रकार से डिजिटल वेरियोमीटर सेंसर लगे होते हैं आज के ड्रोन्स में। आगे है रूट। रूट का मतलब है वह कौन सा रूट है जिसे कि आप फॉलो कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं। आपको यहाँ पर उसका नाम प्रदर्शित होगा डैशबोर्ड में। टारगेट वे पॉइंट पॉइंट नंबर वन है, पॉइंट नंबर फाइव है। इस तरह से यहाँ लिखा आएगा कि आप जैसे ही ऑन करेंगे डैशबोर्ड एरिया में वो प्रदर्शित होगा, एक आइकन इस तरह से दिखेगा और वहाँ लिखेगा कि पॉइंट नंबर फाइव। तो इस प्रकार से आप इजीली देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टारगेटेड वे पॉइंट है हमारा ये पॉइंट नंबर फाइव है। आगे है ETE, फिर ETA, ETA डेस्टिनेशन, ETE डेस्टिनेशन, ये क्या चीज़ है। XTE भी है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है शुरू में, जब इसका एब्रीविएशन हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। देखिए ETE का मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम एन रूट। एन रूट का अर्थ होता है पूरा टाइम स्पेन, जो पूरे रूट में आपने खर्च किया समय उसको यह बतलाता है, ठीक है। ETD का मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर, जब आप डिपार्ट करेंगे उस समय का एस्टिमेशन। हमारे ऑरुक्स में ज़्यादातर ETE और ETA का इस्तेमाल होता है। ETA का मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, यानी कि वह समय जब आप डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे तो कितना समय हो रहा होगा, कितना बज रहा होगा, उसके बारे में ETA बताता है। और ETE क्या मतलब हो गया, कितना समय यानी कि कितना देर लगा, देरी कितना हो गया। 5 घंटे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ETE 5 घंटा, और वहाँ 6:30 बजे पहुँचूंगा तो मतलब ETA 6:30 बजे। तो एस्टिमेशन ये करता है और आपकी स्पीड के हिसाब से GPS इसमें ऑन रहेगा तो GPS का डाटा, आपका स्पीड, इन सारे चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको यह डाटा प्रदर्शित करता है। इन सारे चीज़ों को शो करने में काफ़ी सारा डाटा लगता है। आगे है XTE, ये है क्रॉस ट्रैक एरर। क्रॉस ट्रैक एरर को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। क्रॉस ट्रैक एरर क्या है। क्रॉस ट्रैक एरर का मतलब होता है कि जब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का हम लोग का प्लान रहता है तो एग्जैक्टली कभी कभी क्या होता है, सीधी रेखा पे नहीं पहुंच पाते। कोई ग्लाइडर है, यदि हवा के थपेड़े से यह साइड भाग जाता है, यह कितनी दूर यह जाता है, इस शिफ्टिंग को ही XTE यानी कि क्रॉस ट्रैक एरर कहते हैं। डिले इन रूट। डिले इन रूट का मतलब होता है यदि पहले से ही कोई रूट तैयार है जिसमें समय इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कभी दौड़ लगाई होगी, उसमें यदि 1 घंटे का समय लगा, बाद में उसी दूरी को तय करने में आपको यदि 1 घंटा 10 मिनट लगता है तो डिले कितना हो गया, डिले 10 मिनट का हो रहा है। तो जब आप दौड़ रहे होंगे तो इन बिटवीन जब आप दो बिंदुओं के बीच में जा रहे हैं तो आपको दौड़ते समय ही आपको बता देगा कि आप डिले 5 सेकंड डिले हो गए साहब, और थोड़ा और दौड़िए, 10 सेकंड और डिले हो गया तो और थोड़ा सा प्रयास कीजिए। कुछ इस तरह से इसमें वो डिले आएगा, डिले इन रूट। यहाँ पर दाहिने साइड स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा डिले इन रूट का वैल्यू कैसे आता है। आगे है परसेंटेज ऑफ रूट कंप्लीटेड, मतलब तो यहाँ पर आप जैसे इसको ऑन करेंगे आपके डैशबोर्ड एरिया में आपका वहाँ
पूरे ट्रैक का कितना हिस्सा आपने पार कर लिया वो परसेंटेज के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित होगा। आप इसको ऑन करके चेक कीजिए। आगे है डिस्टेंस टू टारगेट, डिस्टेंस डेस्टिनेशन और ट्रू बियरिंग टू टारगेट, मैग्नेटिक बियरिंग टू टारगेट। इन सारे चीज़ों को समझने के लिए एक छोटा सा स्लाइड आगे फिर से देखते हैं। जब हमारा रूट प्लान होता है तो कई सारे वे पॉइंट्स होते हैं। ये GPS का सिंबल है कि आपका लोकेशन है, साथ ही साथ वह डिस्टेंस जो काफ़ी नज़दीक हो तो GPS इसको डायरेक्ट टारगेट नहीं लेता है, इसके नेक्स्ट वाले को टारगेट ले लेता है। तो टारगेटेड वे पॉइंट अभी ये है, और डिस्टेंस टू टारगेट मतलब आपकी ओन लोकेशन से जो टारगेटेड वे पॉइंट है इसको डिस्टेंस टू टारगेट कहेंगे। अभी क्या होता है कि जब किसी रूट को हम लोग फॉलो करते हैं तो रूट में जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है उसको फाइनल जो जगह है फाइनल वे पॉइंट, ये एरियल डिस्टेंस जो होगा वो है डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना काफ़ी ज़रूरी है। डिस्टेंस टू टारगेट मतलब जो आप वे पॉइंट को गो टू कर लिए और वे पॉइंट नेविगेशन आपने ऑन किया, जो वे पॉइंट को टारगेट में ले लिए हैं आप उसको कहते हैं डिस्टेंस टू टारगेट। जबकि फाइनल वे पॉइंट जो अंतिम हिस्सा है उसको कहते हैं डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन। तो इन दो चीज़ों को आप समझ लीजिए तो आपको ये चारों समझ में आ जाएगा। ये ट्रू बियरिंग टू टारगेट और मैग्नेटिक बियरिंग टू टारगेट, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के सापेक्ष में आपका जो टारगेटेड वे पॉइंट है यह कहाँ है ये आपको बताएगा। अगला है वेलोसिटी मेड गुड, यानी कि VMD, किसी टारगेट किए हुए वे पॉइंट की तरफ बढ़ने के दौरान यह गति को बताता है। यदि वे पॉइंट के विपरीत दिशा में बढ़ा जाए तो मान ऋणात्मक आएगा। यहाँ दाहिनी ओर आप देख लीजिए, ये एक ट्रू डाटा है जो पिछले दिनों मैंने यात्रा के दौरान बनाया था। इसमें आप देख सकते हैं कि वे पॉइंट मेरा पीछे रह गया है और हमारा वेलोसिटी जो है लगभग 6 km/h जो है ये आपका नेगेटिव मार्क है, मतलब कि हम इससे दूर जा रहे हैं, यह इसकी ओर नहीं है। तो ये VMD बतलाता है कि आप किसी वे पॉइंट की ओर जा रहे हैं तो कितने स्पीड में आप बढ़ रहे हैं आगे, आपका स्पीड उस डायरेक्शन में कितना है। स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, लेकिन यह डायरेक्शन को बताता है कि आप किसी वे पॉइंट से बाहर दूसरी ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पे है ट्रू बियरिंग टू नेक्स्ट वे पॉइंट, वास्तविक नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर के सापेक्ष यह अगला जो वे पॉइंट है यह आपको बताएगा इसका बियरिंग क्या है। ETE टू नेक्स्ट वे पॉइंट, ETE के बारे में बताया, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ इन रूट मतलब पूरे रूट को में कितना समय लगता है, नेक्स्ट वे पॉइंट जाने में आपका और कितना समय खर्च होने वाला है ये बताएगा। नेक्स्ट डिस्टेंस टू नेक्स्ट वे पॉइंट, अगला वे पॉइंट में पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी है इसके बारे में यह बतलाता है। कंपास हेडिंग, यह है कंपास का हेडिंग और यह है ट्रू हेडिंग। हेडिंग का मतलब होता है कि आप किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, किधर मुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है पिच एंड रोल, पिच और रोल को समझने के लिए यहाँ हम लोग इलस्ट्रेशन में देखते हैं कि किसी वायुयान को एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब इस तरह से मूव करता है तो ये हो गया एकदम सिंपल, और जब इसे ऊपर की ओर उठना होता है या नीचे की ओर जाना होता है तो ये अप एंड डाउन इस प्रकार से ये मूव करता है। तो ये अपने पोजीशन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल के रूप में अप एंड डाउन हो रहा है इसे कहते हैं पिच। जबकि यह दाहिने या बाईं ओर मुड़ता है तो हॉरिजॉन्टल के साथ में यह कितना लेफ्ट या कितना राइट यह झुकता है इसे कहते हैं रोल। तो पिच से यह उड़ान प्राप्त करता है या डाउन जाता है, जबकि रोल में यह क्या होता है यह लेफ्ट या राइट की ओर मुड़ता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर सेंसर, यहाँ पर आप बाएं साइड में एक एनालॉग बैरोमीटर को देख रहे हैं, जबकि NRF 51822 जो है ये इस प्रकार से ओपन सोर्स हार्डवेयर होता है, आप इसको आजकल प्रोजेक्ट में भी इसको यूज़ किया जाता है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो इससे जो वैल्यू प्राप्त होता है इसको ऑन करेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू उसका आएगा। एवरेज वर्टिकल स्पीड, ये एवरेज वर्टिकल स्पीड क्या है, यूज़ ओनली विद द वेरियोमीटर सेंसर। यदि आपके मोबाइल पे वेरियोमीटर सेंसर है तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, आपको वहाँ से इसका डाटा प्राप्त होगा। अगला है ग्लाइड रेशियो, ग्लाइड रेशियो क्या है, ग्लाइड रेशियो होता है कि प्रति यूनिट डिस्टेंस तय करने पर कितना ग्लाइड करके यह पहुंचता है यानी कि यह सरकता है कुछ इस तरह से।
इसको कहते हैं ग्लाइड। तो प्रति इकाई दूरी तय करने में कितना हाइट का लॉस होता है या कितना हाइट इसका डाउन जा रहा है, इसको कहते हैं ग्लाइड रेशियो। तो गेन ऑल्टीट्यूड, वेरियोमीटर सेंसर यहाँ भी ज़रूरत है, कितना ऑल्टीट्यूड इसमें घट रहा है या बढ़ रहा है ये वेरियोमीटर बताएगा। और दूसरा है कि ग्लाइड रेशियो नेक्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में कितना ग्लाइड करेगा और उसका रेशियो क्या होगा, इसके बारे में यहाँ बताएगा। ये जनरली एविएशन का चीज़ है। अगला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी सेंसर होना ज़रूरी है, कई सारे मोबाइल्स में होता है, बहुत में नहीं होता है। और टेम्परेचर के लिए एक टेम्परेचर सेंसर होना चाहिए या फिर NRF 51822 जो सेंसर हमने दिखाया था, ये सेंसर होने की आवश्यकता है, तभी ये दोनों काम करेगा। तो इस प्रकार से ये सारे फील्ड्स के बारे में आज हम लोगों को पता चल गया। अगला जो हिस्सा है ये एक्सटर्नल सेंसर्स पर निर्भर है, जैसे आगे हम लोग देखेंगे ANT+। ANT एक ब्रॉडकास्टर है और कई सारे रिसीवर्स हैं, ये ऐसा संभव है, जबकि ब्लूटूथ में क्या है, एक यूनिट अगर ट्रांसमीटर है, दूसरा रिसीवर है, तीसरा कोई नहीं जोड़ सकता, ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया। जबकि ANT+ में क्या है, एक खासियत ये है कि एक ट्रांसमीटर है तो कई सारे रिसीवर हो सकते हैं, यह उस समय आवश्यक हो जाता है जैसे कि हर्ट रेट मॉनिटर, अगर यदि किसी मरीज का हर्ट कितना काम कर रहा है, क्या इसका सारा डेटा है, तो एक लोकल डिवाइस उसको रिसीव करता है, साथ ही साथ मोबाइल पर भी कोई डॉक्टर उसे प्राप्त कर सकता है, साथ ही साथ इसके जो सर्वर हैं वहाँ पर भी भेजा जा सकता है। इससे क्या होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी काफ़ी आसानी होती है। तो ANT+ कई सारे क्षेत्रों में यूज़ हो सकता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, स्पोर्ट्स में यूज़ हो सकता है, साइकिलिंग में, बाइकिंग में, इवन की पर्सनल हेल्थ के रूप में भी, एल्डर्स का केयर करने में, होम हेल्थ में भी, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। और इसके अलावे ब्लूटूथ 4.0 यह भी बाइक्स वगैरह का यहाँ पर डाटा आपको प्रदर्शित करेगा, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। साथ ही और ज़्यादा नीचे चलने पर हम लोग देख सकते हैं टायर प्रेशर सेंसर है, ये टायर प्रेशर सेंसर TPMS कहलाता है। ये टायर प्रेशर सेंसर इस प्रकार से होता है जिसमें कि सेंसर लगे होते हैं इसके वाल्व पे, और यह ब्लूटूथ के जरिए एक सेंट्रल डिवाइस में जुड़ता है, या फिर आप इसे OruxMaps में भी एसोसिएट कर सकते हैं, और इसका जो वैल्यू होगा वो आपको डैशबोर्ड एरिया में दिखाई पड़ेगा। एक आता है AIS सेंसर, एक ट्रांसमीटर होता है, कुछ रिसीवर होते हैं, और ये कई सारा डाटा को यह कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है, जिसमें कि विंड का स्पीड है, चाहे डेप्थ बिलो सरफेस है, मतलब आप पानी में गहराई कितनी है, इतनी सारी डेटा को यह रिसीव करता है और ग्राउंड स्टेशन तक, यहाँ पर समझिए कि सैटेलाइट के माध्यम से ग्राउंड स्टेशन तक यहाँ भेजता है। यह एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इससे आप समझ सकते हैं AIS का फंक्शन क्या है। एक वर्ड आता है डेप्थ बिलो सरफेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेप्थ बिलो ट्रांसड्यूसर, डेप्थ बिलो सरफेस, ये क्या चीज़ है, विंड स्पीड, अपरेंट विंड एंगल, ये सारा डेटा आपको AIS से मिलता है, ये क्या चीज़ है इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक समुद्री जहाज़ है, इस जहाज़ का पानी का सरफेस ये है, तो एक्चुअल डेप्थ ये हो गया। डेप्थ बिलो द ट्रांसड्यूसर, ये ट्रांसड्यूसर का मतलब एक ट्रांसमीटर जो है ये वेव को इस तरह से भेजता है और वापस इस तरह से रिसीव करता है, जिससे कि टकराने वाला पोजीशन कितनी दूरी पर है ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो AIS सेंसर के जितने भी जो लॉग है, जो डाटा है, यह आप अपने डैशबोर्ड में यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो टायर प्रेशर भी है, टायर टेम्परेचर भी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ब्लूटूथ के जरिए भी है, ब्लूटूथ के जरिए भी आप टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं जो 2.0 है। तो ये आप पर निर्भर है कि किस तरह का डाटा आपको चाहिए, उस तरह के डेटा को आप अपने डैशबोर्ड एरिया में ला सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डैशबोर्ड पर आधारित वीडियो, आई थिंक आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिले होंगे आज। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।